नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में होने वाले खान पान के बारे में, जो हम ध्यान रख पाएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें खानी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन से हमें अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हम सारे टेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में समराइज किया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस वीडियो में हम खाने पीने के बारे में ही स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे जयपुर दूरबीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आइए हम बात करेंगे खाने पीने की चीज़ों के बारे में जो सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ तो हम बात करते हैं डाइट की, एक तरफ हम बात करते हैं मेडिसिंस की। तो मेडिसिंस की अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट में बात करेंगे तो आपको पता है कि हमने पिछले ट्राइमेस्टर में तो हम फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी गोली थी, वो इस ट्राइमेस्टर में भी यानी कि चौथे पाँचवें छठे महीने में भी कंटिन्यू रखी जा सकती है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एडिशन इस ट्राइमेस्टर में होता है वो आयरन और कैल्शियम की गोली का होता है। अगर आप अच्छा फील करने लगे हैं और आप खाना पीना आपका ठीक हो गया है, उल्टियाँ आपकी बंद हो गई है, तो आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली अब ऐड की जा सकती है, जिससे कि आपके और आपके बच्चे के अंदर आयरन की कमी ना हो। क्योंकि आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि आपके शरीर में खून बनता है, यानी हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस सिर्फ आयरन की वजह से होता है। और अगर आप में आयरन की कमी है तो आपके बच्चे में भी आयरन की कमी होगी, यानी आप एनेमिक हैं तो आपका बच्चा भी एनेमिक होगा, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आप आयरन की छोटी सी गोली ज़रूर ऐड करवा दीजिए। और अगर साथ में आप आयरन रिच डाइट साथ में लेती हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गोली गोली और अगर खाना पीना आप इम्प्रूव कर लेती हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आयरन रिच फूड के बारे में अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जिसमें बहुत सारा आयरन होता है और क्या सिंपल वे हैं जिससे आयरन अपने खाने में आप बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें हरी सब्ज़ियाँ आती है, क्योंकि अधिकतर इंडिया में लोग वेजिटेरियंस हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि रेड मीट है यानी कि जिसमें खून की मात्रा होती है तो उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, तो रेड मीट हम एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है, लाइक हरी सब्ज़ियाँ। हरी सब्ज़ियों में अपना पालक आ जाता है, बथुआ आ जाता है, और भी हरी सब्ज़ियाँ जैसे कैबेज है, जिसे कि पत्ता गोभी कहते हैं, इन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन होता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अमरूद है, गवावा, जिसमें भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा अपन बात करें ब्लैकबेरीज़ की, मलबरीज़ की, और इसके अलावा ओट्स हैं, और दूध में भी काफ़ी आयरन होता है, अंडे के अंदर भी आयरन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने खाने पीने में ऐड कर सकते हैं, और आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए हमें साथ में विटामिन सी ज़रूर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जो वेजिटेरियन सोर्स का आयरन होता है वो अपने हाथों में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अगर विटामिन सी अगर आप ऐड कर लेते हैं, यानी कि अगर आपने पालक का या कैबेज का किसी चीज़ का सलाद बनाया, उसे एक नींबू निचोड़ लेते हैं, तो आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और ये जो भी खाना आप पका रही हैं, अगर वो आयरन के उसके अंदर कढ़ाई के अंदर पकाती हैं तो ऑटोमेटिकली आयरन उसमें ऐड हो जाएगा। मशरूम अगर आप खाती हैं तो मशरूम आप साथ में ले सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा और आयरन भी ऐड हो जाएगा। और स्प्राउट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, क्योंकि स्प्राउट्स प्रोटीन में और आयरन में और मिनरल्स में सब में अच्छे होते हैं। इसके अलावा ऑरेंज वगैरह जो खट्टे फल हैं, नींबू के साथ में आंवला हो सकता है, और विटामिन सी गवावा यानी अमरूद में भी होता है। इसके अलावा मिर्च के अंदर भी होता है, बट मिर्च खाना एडवाइजेबल नहीं होता है, तो आप उसे अवॉइड कर सकती हैं। हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए आयरन के साथ ही प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रोटीन अपने बच्चे के विकास के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मांसपेशियां हैं, बच्चे के अंग हैं, वो सब प्रोटीन से ही बनते हैं। तो प्रोटीन लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आयरन लेना ज़रूरी है। प्रोटीन के सप्लीमेंट भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और जनरली सारे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन के बिस्किट्स भी आते हैं, जो दिन में टोटल 6 बिस्किट खाने होते हैं, क्योंकि एक बिस्किट में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, और हमारी जो रिकमेंडेशन है एक दिन की 30 ग्राम प्रोटीन की है। अगर आप 30 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए कम से कम आपको 6 बिस्किट आपको दिन में 3 बार पूरे टाइम में खाने पड़ेंगे, यानी 2 बिस्किट दिन में 3 बार। और अगर आप प्रोटीन पाउडर अगर आप ले रही हैं तो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार आपको लेनी पड़ेगी। पाउडर आप दूध में घोल के ले सकते हैं या पानी में घोल के ले सकते हैं, जैसा भी आपका टेस्ट आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वैसा आप कर सकती हैं।
और इसके साथ में आप डाइट में कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे कि प्रोटीन आपके लिए ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो? तो बहुत जो रिच सोर्स हैं प्रोटीन के, जिनको हम मानते हैं कि इनमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा है, तो सबसे ऊपर आता है सोयाबीन। सोयाबीन में जो प्रोटीन है वो मीट के बराबर प्रोटीन काफ़ी बराबर मात्रा में अवेलेबल है, और ईजिली अपन अपनी डाइट में सोयाबीन ऐड कर सकते हैं। सोयाबीन को स्प्राउटिंग फॉर्म में ले सकते हैं, आप आटे में मिला के उसको पीस सकते हैं, या आप सब्जियों में भी डाल सकते हैं, सोयाबीन के खीर बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, आप वैसे भी कुकिंग मास्टर हैं सब लोग, तो आप अच्छे से जानती होंगी कि सोयाबीन का कैसे कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आता है मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स। मूंगफली में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है कि जो आप उसको फ्राई करके ले सकती हैं, उसको रोस्ट करके ले सकते हैं, या आप उसे स्प्राउट करके या भिगो के भी आप ले सकते हैं। बादाम आप ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, रेजिन्स आप ले सकते हैं, खजूर आप ले सकते हैं। इसके अलावा एप्रिकॉट्स हैं, एवोकाडो है, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके अलावा जो चने होते हैं, सिके हुए चने होते हैं, उनमें भी बहुत होता है। इसके अलावा जितने भी चना दाल हैं, यानी कि हरे चने हो सकते हैं, मटर हो गया आपका, मूंग हो गया, मोठ हो गया, ये जो जितने भी दालें हैं और चने हैं, इन सब में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन रिच फूड है, इनको आप डेली अपनी सब्जियों में या अपने खाने में आप ज़रूर ऐड कीजिए। यानी कि दिन में एक कटोरी आप दाल ज़रूर ले लीजिए, साथ में नाश्ते में आप स्प्राउट्स ले सकती हैं, जिससे कि प्रोटीन और साथ में आयरन और मिनरल और विटामिंस आपके डाइट में आसानी से ऐड हो पाएंगे। तो प्रोटीन के साथ साथ ही कैल्शियम भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हड्डियां बनाने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैल्शियम कहाँ से मिलेगा आपको? दूध से मिलेगा। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, यानी कि पनीर है, छाछ है, दही है, मावे की जितनी मिठाइयाँ हैं, उन सब में कैल्शियम होता है। और कैल्शियम की गोली तो डिफरेंट टिश्यू है ही है, कि गोली में तो कैल्शियम डायरेक्टली मिल जाएगा, तो और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके भी देते हैं कि दिन में एक या दो बार आपको कैल्शियम की गोली लेनी होती है, जिससे कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। क्योंकि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो आपके बच्चे में भी कमी होगी, और अगर आपने बच्चे की कमी पूरी कर दी तो भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन ज़रूर लें। तो दिन में 2 ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए, दिन में 1 कटोरी दही ज़रूर लीजिए, साथ में पनीर है, चीज़ है, और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं ज़रूर लीजिए। इसके अलावा स्प्राउट्स में, इनमें भी कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है, रागी में कैल्शियम होता है, कुछ और हरी सब्जियों में भी कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, ये सब चीज़ें होती है। तो अगर आप अपने खाने में रंग बिरंगी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, तो रंग बिरंगी चीज़ें ऐड करने से ऑटोमेटिकली सभी चीज़ों की पूरी हो जाती है, हरी सब्जी, पीली सब्जी, लाल, यानी अगर आपने टमाटर भी ऐड कर लिए, आपने हरी सब्जी भी ले लिया, दालें भी ऐड कर ली, दही भी ऐड कर लिया, तो ये हो गया वाइट, रेड, ग्रीन, येल्लो, यानी कि रंग बिरंगा खाना, जिससे कि सब कुछ आसानी से पूरा हो जाए। और खाने का रिकमेंडेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको भूखा बिल्कुल नहीं रहना है प्रेगनेंसी के अंदर, हर 2 घंटे के अंदर आप ज़रूर कुछ ना कुछ खाइए, जिसमें आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि सुबह 8 बजे अगर आपने नाश्ता किया है, दूध लिया है, पराठा लिया है, तो आप 10 बजे एक फ्रूट ले लीजिए, 1 बजे आप लंच प्लान कीजिए, 3 बजे इवनिंग स्नैक्स आप प्लान कीजिए, 6 बजे आप फिर से कुछ खाइए, 8 बजे तक आप डिनर लेके, 10 बजे आप दूध पी के सो जाइए। इस तरीके से हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि खाने से ही आपके बच्चे को एनर्जी मिलेगी। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप प्लान कर सकती हैं, अपना कैलेंडर आप बना सकती हैं कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और आप उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि पानी खूब मात्रा में पीजिए, यानी कि 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, तो हमें लगातार खड़े नहीं रहना है प्रेगनेंसी में, इस बीच के महीनों में, क्योंकि खड़े रहने से बच्चे को खून मिलने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। तो अगर आप 2-2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद थोड़ा रेस्ट करती हैं, तो ब्लड फ्लो बच्चे की तरफ बढ़ता है और बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है। और जब आप रेस्ट कर रही हैं तो सीधा ना लेटे, कमर के बल सीधा नहीं लेटना, अपने को करवट लेके लेटना है। और करवट लेके लेटने में भी हम लोग लेफ्ट साइड की करवट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय राइट साइड की, बट फिर भी आपको जो कम्फर्टेबल हो वो पोजिशन में आप रेस्ट कर सकती हैं। क्योंकि जब आप करवट लेके लेटती हैं तो बच्चे की किडनीज़ को फ्लो, ब्लड का फ्लो ज़्यादा मिलता है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप ध्यान देंगी तो आप अपनी प्रेगनेंसी में बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं, और बच्चे का वज़न काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है और आप अपना ध्यान रख पाएंगी। इसके साथ ही डॉक्टर की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हर 1 महीने में तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका बीपी, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वज़न चेक करते हैं कि आपका वज़न ठीक से बढ़ रहा है क्या, बीपी कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर एक हाई रिस्क है,
जहाँ पे बीपी बढ़ने लगता है, तो ऐसी कई लेडीज होती हैं कि जिनको पहले से अगर हाइपरटेंशन है यानी बीपी की समस्या है, या आपके मम्मी पापा को, नाना नानी को किसी में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको बीपी बढ़ने की संभावना हो सकती है, जिसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो अगर बीपी आप रेगुलरली मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी प्रॉब्लम है। इससे आपके बच्चे को ब्लड फ्लो मिलना बंद हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है, और बच्चे का दिक्कत ग्रोथ नहीं होने से IUGR यानी कि कम ग्रोथ होना, वजन कम रहना, जल्दी डिलीवरी होना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो डॉक्टर की हर एक महीने में विजिट ज़रूरी है। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन अपनी खाने में ऐड करना बहुत ज़रूरी है, और नियमित अपनी जाँच कराते रहना। जो भी आपको टेस्ट प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो ज़रूर करवाइए, ताकि हम अच्छी प्रेगनेंसी के साथ अच्छा स्वस्थ जच्चा और बच्चा भी अपने को मिल सके। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि सेकंड ट्राइमेस्टर के इम्पॉर्टेंट टेस्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट खाना पीना क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, और कौन कौन कब कब आपको डॉक्टर को दिखाना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे जयपुर दूरबीन के यूट्यूब चैनल पर। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।